हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हो रहे हैं 7:24 और हमें 7:45 तक पूरा वैकेंट करना है दोनों तीनों रूम्स जो हमारे हैं। और अभी तक लड़के सो रहे हैं, एज यूजुअल, कुछ नया नहीं है उसमें। तो अभी मैं जाती हूँ लोग को उठाने और उसके बाद देखती हूँ उन्होंने कितना सामान पैक किया है, कितना नहीं किया है। चलते चलते, चलो चलो जल्दी करो, सब बाहर निकल गए। हाँ ना, लाइन लग रही है, क्या दिक्कत है, क्या करवाना है? अभी तो सोना स्टार्ट करो फिर। हैं, कितनी बजे? अभी नींद नहीं आई थी मुझे ठीक से। सर तो बाहर निकल गए, कितनी बजे सोया था? 5 बजे। आज ये तो खैर हम लोग भी लेट ही सोए थे, बट फिर भी अब तो उठना पड़ेगा। मैं उधर उधर भी उठा के आती हूँ ना, क्योंकि लाइन लगना चालू हो गई है। देखते हैं लोग कितनी देर में खोलते हैं। नो रिस्पॉन्स। बहुत दोनों ही बहुत गहरी नींद सोते हैं। गाइस उठ जाओ। सुनो, बाहर सबके लाइन लगना चालू हो गई है, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। टाइम कि हम इसे वैकेंट करें। और अभी भी मैं सूरज के पास जाकर आई और वो सो रहा था, तो पता नहीं क्या सीन रहेगा। बट हमारा तो सारा सामान पैक है ही, तो हम तो निकल रहे हैं बिना सूरज के। नहीं उस तो भयंकर नींद है, वो भयंकर। पता नहीं ठीक से ब्लॉग ही बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा। ऑनलाइन जा रहा सही में कसम से। मैं बना रही हूँ। 5 बजे सोया था, अभी क्या टाइम हो रहा है? इन्होंने मुझे 7:15 बजे तो उठा दिया था, 8 बजे। पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, लगेज सारा बाहर आ चुका है। यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल है 7:30 बजे बैग्स बाहर आ जाने चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं आपके। तो आप भी आओ तो ध्यान रखना सीट का, और गेट खटखट खटखट बजा बजा के बहुत परेशान कर देते हैं भाई। बहुत इरिटेट होते हैं। चलो गाइस, कोई नहीं, चलते हैं, बहुत अच्छा ट्रिप था। अभी निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वैसे हमारे पास फ्लाइट के लिए 6 घंटे हैं अभी, तो अभी 6 घंटे हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम लोग को आइडिया नहीं है। उल्टी टी शर्ट पहन ली एक बार बाहर जाना तुम, सीधी करके आती हूँ। गाइस हमारा एक प्लेयर तो डालमडोल चल ही रहा है, जयपुर जाके ठीक होगा। और फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा नंबर आने का, क्योंकि क्या सीन होता है, सब चेकआउट होता है तो सबके कार्ड स्कैन होते हैं और उसमें किसी का पेमेंट बाकी रहता है तो वो देते हैं पेमेंट और उसके बाद जाने देते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। मुझे ऐसा लगा था पहले कि फटाफट फटाफट निकालेंगे सर 10 मिनट के अंदर गायब, लेकिन टाइम लगता है काफी। फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि वो 8 घंटे क्या करना है, कुछ प्लान बनाओ भाई। पत्ते निकाल लिए तुमने? और मेरे बैग में डाल दिया, निकाल लो अभी। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी कैब का। 10 बज के बाहर निकलते निकलते 7:30 बजे जगा दिया था उन्होंने हमारे को। छोड़ा, सो ही लेते यार, 1.5 घंटा सो पाए सिर्फ। बस उनके स्ट्रिक्ट रूल्स है, 7:30 वैकेंट तो 7:30। पूरा का पूरा क्रूज शिप साफ हो रहा है, इसलिए 7:30 बजे गायब सबको। अभी लोग 10 बज चुके हैं, 2 घंटे बाद यहाँ पर वापस लाइन लग जाएगी। और भीड़ देख कितनी सारी यार। पेइंग मशीन मिल गई, मैं भानु और मीकू पहुंच चुके हैं, तो हम लोग पहले बैग्स का वेट कर रहे हैं ताकि हमें पैसा न देना पड़े। 50 ग्राम का मैं वेट, देखो 14 किलो, 15 किलो होता है ना। आपका भारी होगा। हाँ मेरा भारी है, देख मेरा भानु मेरा रखे एक बार। मेरा बैग जाता हुआ ये तो भाई 20 के आसपास लग रहा है। क्या बात कर रहा है, 1950। चलो लो गाइस, चले चले भाई, कुछ खाए पिए, सोए, पत्ते खेले, उनो खेले, उनो खेलेंगे। यशी का तो बॉन्ड जैसा चेहरा हो गया। क्या कर रहे हो तीन? अरे तो पेड़िया सूरज ने पकड़ा है मेरे हाथ में, तो सही है ये भानु, ये आपका पकड़ो, पता ही नहीं क्या कर रही है। टीफूबिया का पकड़ो। अरे दीदी आप रहने दो, फोन दे रहा भाई, ये ले तू अपना पकड़। आपका फोन और बैग बैग सब दे दो, हम संभाल लेंगे। चले गाइस, नींदों में भयंकर नींदों में सो गई थी मेरे कंधे पे, अभी ये कंधा नीचे हो गया थोड़ा सा। चलो शेकर लेने आ गई, अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, चल यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा ये। सिर्फ जब मैं खुद लेके आऊँ तभी एक्सेप्ट करना तेरे को। चलो गाइस, 1 घंटा हो गया दोनों सेलेक्ट नहीं करने, बानू और ये। अरे भाई मैंने तो कर लिया मेरा, ये टीपू भी आपको समझ में नहीं आ रहा भाई। भाई ये आधे घंटे से कर रहे थे, अब जाके मेरे हाथ में आई, तो पी लो यार जो भी है पी लो। मग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मोचा, मोचा होता है वो, लगा एड टू ऑर्डर कर दो, एक मोचा और बर्गर। अब बर्गर कौन सा खाओगे? ऑर्डर नंबर कैसे पता चलेगा, तुम देख के तो आए नहीं, ऑर्डर तो करे सब कुछ। वो सबसे बड़ा ऑर्डर जो होगा ना, सबसे बड़ा ऑर्डर है वो, अपना पैक नहीं अपना तो वो था ईट इन। दोस्तों हम ऑर्डर तो करके आ गए, पर हमें यही नहीं पता कि हमारा ऑर्डर नंबर है क्या। अब हम बैठ के वेट करेंगे मैम जब तक हमारी तरफ इशारा करें। गाइस हम यहाँ पे बैठे, बहुत एसी की आवाज चल रही है, तो मैम बोले मैम कम कर दो थोड़ी, पता कर दे एसी नहीं चल रहा है, बटन लग रही है। मुझे नहीं लगता कि तुमने वो करा डाइन इन,
अरे किया है यार, अभी देखना करेंगे। अरे वो बड़ा ऑर्डर है, टाइम लग रहा है उसको आने में। अरे उसको बोल के भाई तू टेक कर लेते रिश्ते, हमें नहीं पता, हम तो भूल गए। हमें तो खाना चाहिए, हमारे पैसे कट गए हमारे पास। बिल दिखा दो उसको, ले मैं दिखाऊं। बीबी ये तो ऑर्डर तीन बर्गर आए थे है ना, तो मैं और रितेश जी एक एक खा गए, अब ये इंतजार कर रहे हैं बर्गर का। यार भाई बता, बेशर्म लोग, मैं खुद के लिए लाया था जल्दी से और मेरा खा गए। पनीर रैप मंगाया, तुझे पता है? ओए ओए सूरज, मैंने पनीर रैप मंगाया है। पागल वागल लेके तू, पूरा प्रोटीन और मैं फालतू चीजें खाऊं। क्या हुआ? बस ओली सर, आप इतने हैंडसम हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उठ के एसी में बैठो, बढ़िया। नहीं सुनो, भगवान यार से सर, आप भाई भाई मेरी भाई तेरी कोगी और रुक जा, थूक गया, थूक गया, थूक गया, समझ, अरे समझ भाई। मैम एक्सक्यूज मी, मैम एक्सक्यूज मी, मेरी कोक छीन रही है। मैम एक्सक्यूज मी, इसको दो कुछ, इसका ऑर्डर तो दे भाई तेरी। यार ये नहीं पीनी मुझे। ओ ये तो दे दो, मेरी है, इसको मत करो, ये के दे दो भी है। अच्छा ये भी हमारे हैं, ये भी दे दो, ये ले लो। और ये भी हमारे, ये भी दे दो। मेरे भाई फिर मेरा क्या है, ऑर्डर देके आया था, आधा घंटा लगा दिया ऑर्डर देने में, तुम खा गए यार। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आया है, देखा थोड़ी बड़ी है लेकिन एडजस्टेड, अगर टाइट करेगा तो शायद अच्छी लगी, बिकॉज अभी तो नहीं लग रही है, अभी तो अजीब लग रही है। ठीक लग रही है, मीन अभी तो कोई और कलर देख, ट्राई दैट रेड कैप, हाँ वो अच्छी लग रही है। ओ यार इवन दिस इज नाइस, ये बहुत अच्छी लग रही है। इसको ट्राई कर, फिर उसको भी ट्राई करना। ये वाला अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लग, उससे बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यार तुझे कैसा लग रहा है? बस ज्यादा सा ब्राइट। हाँ इसमें कोई और कलर नहीं है, देख रहे हैं वो तो। एक बार ये ट्राई करना, ये वाला रेडी थोड़ा सा मरून वाला आ गया, देखा ये अच्छा लग रहा है तुझे। तुझे कैसा लग रहा है? लिखा हुआ इज नॉट लुकिंग गुड ना, है फर्स्ट वाला क्या अच्छा लगा तुझे? इसको फर्स्ट वाला अच्छा लगा तो ये रहा ना फर्स्ट वाला इनके हाथ में। कोई और कलर भी हो? ओके मुझे व्हाइट कलर चाहिए। व्हाइट? व्हाइट तो फिर वो है एक। ओके दोस्तों कैप खरीद ली, शॉपिंग बर्थडे मंथ में स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। की तरफ से करूंगा सारी शॉपिंग इस बार। इसे प्री बर्थडे गिफ्ट ले लिया है, मैं आपको सबके सामने दिखाती हूँ कि इसने क्या लिया है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारा इसे मतलब इधर उधर बैक एंड फोर्थ करने के बाद इसने लिया है। तो चलो इसको जो चाहिए था वो मिल गया ना। हाँ, अच्छी लग रही, मतलब मस्त है वो कैप। चल कोई नहीं, सबको बताते हैं। दोस्तों मेरा प्री बर्थडे गिफ्ट अरमानी एक्सचेंज की मुझे यशी ने कैप दिलवाई है। अभी तो मैं और शॉपिंग करवाऊंगा इससे बहुत सारी। अपना चलूं? कहीं भी चल ले। अभी प्री बर्थडे, इस बर्थडे वैसे क्या गिफ्ट देने का प्लान कर रही थी मुझे? हाँ भाई क्या लिया? तो ब्रांड का नाम बताने को? लकोस्टे। मैं इस राइट लकोस्टे, लकोस्ट नॉट लकोस्टे। मैंने किसी को प्रोनाउंसिएशन करते हुए सुना था ऐसा, तो शायद मैंने गलत किया है। लकोस्ट। मैंने एक प्यारा सा बैग लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये बैग। नहीं सीरियसली बहुत प्यारा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। जितनी बार एयरपोर्ट जाऊंगा उतनी बार शॉपिंग करूंगा इस महीने में। जेड़ा कर गई है जादू। शूज भी तो ले रहा है तू? शूज ट्राई कर रहा हूँ, अच्छे लगे तो लेऊंगा। हाँ अच्छे है शूज, बट मुझे बैग ज्यादा अच्छा लगा। तो शॉपिंग हो चुकी है, प्री बर्थडे शॉपिंग चल रही है इसकी। एक मगरमच्छ के कपड़े ले लिए, एक अरमानी वाले ले लिए। अच्छा ये तो टोपी ली है, ये बैग लिया है, कपड़े तो है मेरे पास, कपड़े तो है, एक घड़ी की जरूरत है बस। और भी कुछ हो तो स्टोर है नहीं जिस घर जो घड़ी मुझे पसंद है, कुछ और भी हो तो वो भी बोल ले। बर्थडे से पहले ना इसका चालू हो जाता है, यार मेरे पास ये होना ही चाहिए, ये होना। एक एक करके सबको बोलूंगा टीम में, सब लेकर आ जाएंगे देख लेना। सबको धीरे धीरे हिंट देता रहूंगा। जो तुझे जो घड़ी चाहिए ना वो तो कोई नहीं लाने वाला। नहीं वैसे मैं हिंट देता रहता हूँ, कुछ ना कुछ और चीजें तो है ना बहुत सारी, कुछ ना कुछ सारी चीजें। और तो कोई नहीं है, देख घूम घूम के। देखो दोस्तों मुझे शॉपिंग कराते खुद के लिए शॉपिंग कर ली, तो अभी फिटनेस हो गया है हमारा, कुछ भी मेरे लिए शॉपिंग नहीं हुई है, दोनों के लिए शॉपिंग हुई है आज। ना कोई बर्थडे ना प्री बर्थडे कुछ भी नहीं। अच्छा हम लोग कंफ्यूज हो गए बहुत ज्यादा, पता है एक इसको ये बैग पसंद, ये हमारे को पसंद आया, मेरे को मीकू को, और इसको पसंद आया ये ब्लैक वाला। उठाना इसको एक बार, ये ब्लैक वाला बैग ठीक है, और इसको रिप्लेस करना है इस बैग को। ये ब्लैक वाला हमें अटैची जैसा लग रहा है, हमें प्रीमियम ये ज्यादा लग रहा है, जबकि दोनों का प्राइस सेम है एकदम ठीक है। तो हम लोगों ने वोट इसके लिए कराया, तो अब यही लेगी वो, जहां तक मुझे यकीन है। ये अच्छा लग रहा है तेरे को? भाई इतने कंफ्यूज हो गए भाई, बहुत देर हो गई हम लोग को, 20-25 मिनट से ऊपर हो गई, सारे कलर्स के बैग्स देख लिए, सब देख लिया। चल निकल अब तू यहाँ से। क्या हुआ? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा वैसे ये बैकपैक भी इसने देखा था, ये भी क्यूट लग रहा था काफी। ये भी क्यूट है, पर ठीक है मैं ले लिया, ठीक है मैं खुश हूँ। ओके
अब मैं क्या करूँ गाइस, मुझे तो लाया नहीं इसने। झूठ। अभी ये आर्टिकल सिटी में नहीं आया। अच्छा, ये सिर्फ एयरपोर्ट पे आएगा? हाँ, एयरपोर्ट पे आएगा। चल बढ़िया है, अपने जयपुर पहुंचने से पहले अपने पास पहुंच गए। मेरे को चाहिए था यार, एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सामान फिट नहीं हो पा रहा। मैंने इतना बड़ा लिया कि उसको पूरा घर फिट कर दो अपना। भाई देखो कितनी शॉपिंग करा के लाए। मैडम तो शॉपिंग कर लेते हैं। मैडम शॉपिंग नहीं करी है, मगर इसके कपड़े पहन लाई वो लिया है। भाई मैं तो तुमसे ही बोलूंगा इस महीने, ले कुछ दिला दे भाई, ले कुछ दिला दे। गाइस मैं तो बाहर जा रहा हूं। जब सिटी चलेंगे फिर बोल एयरपोर्ट पे। ये तो वापस जाते बोलेगा। अच्छा एयरपोर्ट पे नहीं, मेरे को तो मैं मोती सन्स लेके चलूंगा। दिन में बंद रहता है जो कहाँ लग बैठी है वो। तो तू तो हमारे साथ नहीं है ना। ये दीदी आपका बैग है? ये इसका बैग है यार, इसका एक्सचेंज लेके चला, इसका रिप्लेसमेंट लाई। मत देखो तेरा और दुकानें और ब्रांड मिले नहीं, नहीं तो आज तो फुल मूड में था शॉपिंग के। तेरी कसम, तीन स्टोर में घुसे, तीनों स्टोर से शॉपिंग कर लाए। दुबई चलेंगे भाई, चलते हैं दुबई चलते हैं। अभी भी लेकिन तू तू लेकिन तू बोर हो जाएगा वहाँ पे। क्यों? वो नहीं है ना तेरा सिस्टम पानी वहाँ का। अलाउड नहीं क्या? नहीं, पूरी कंट्री में नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या अलाउड नहीं? नहीं, खाना पीना अलाउड नहीं है। पीता तो वही नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स होगी ना पे। गाइस ये टेक्स मुझे जानबूझ के लेने पड़ते ताकि इसके मम्मी पापा से सवाल करा करे रोज ब्लॉग देखने के बाद। कुछ भी नहीं है सा। अरे लेटिंग तू तू कसम खाते एक बार। मैं हाँ वो पापा कसम खा के करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता है तो आपको पता ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ग्रुप में बिल्कुल कुछ नहीं। टीपू ने सफाई दे दी। मेरी कसम है, मेरी सूरज जाएगी यशी दी की कसम है। और सीन हुआ था कि ना मैं मॉकटेल पीने गया था, मुझे नहीं पता कि मॉकटेल ना अल्कोहल वाली है। और मैं ना क्या थोड़ी सी पी तो है ना, मॉकटेल कभी अल्कोहल वाली नहीं होती, कॉकटेल होती है। फिर वो कॉकटेल हाँ जो भी होती हो, तो यार वो कॉकटेल तो अल्कोहल वाली होती है। यार मुझे नहीं पता कॉकटेल और मॉकटेल में फर्क है, तो गाइस इसलिए गलती से हो गया था सिस्टम। भाई हमने तो भाई हम तो भाई एक सेकंड सुनो, अपन तो मजाक कर रहे थे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, तूने खुद नहीं बोल दिया। मुझे अजीब सा टेस्ट लगा, मैंने छोड़ दी। मैंने इनको बताई थी गाइस मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। भैया एक दो लोग भैया आपको स्मेल आ रही है, देखो ना देखो ना, भैया भी पी लिए। भैया कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। एक सिप के चक्कर में कितने सिप हो गए वो पता ही नहीं चला। गाइस हम तो मजाक कर रहे थे, इसने सीरियसली कुछ बोल दिया। ये सच्चाई है कि ये सच्चाई है? इनको ऐसे बोलते हुए एक लड़के थे कि भैया अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे वो गलती से आ गई थी आपको, लेकिन उन्होंने फिर बोला गलती आ ही गई तो हमारे साथ। तो दोस्तों मेरे को ना एक बैकपैक पसंद आया था, तो मैं मेरे लिए तो वो हैंड बैग लिया। मैं सोचू बैकपैक निकू के लिए आती हूँ। उस बुद्धू ने अपने लिए जो मतलब अभी बैकपैक मंगाया ना मीशो से, पता नहीं मीशो से नहीं मंगाया उसने, मिंत्रा से शायद। मिंत्रा से नहीं, वो बैकपैक तो अच्छा है, बट मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा बैकपैक हो उसके पास में, क्योंकि क्या उसके उसके बस की नहीं है बैग संभालना। ऐसे बैग नहीं संभालते उससे, मतलब हैंडबैग नहीं संभालते उससे, बैकपैक लेके चल लेती है वो। उसके थोड़ा मतलब मामला सही रहता है। वो उस टाइम मुझे बोल रही थी कि तू बैकपैक ले लेता, क्योंकि उसको पता है कि वो ज्यादा चीज उसको रखेगी। तो मैं सोचू उसके लिए एक बैकपैक ले लूं, तो एक छोटा सा सरप्राइज भी हो जाएगा और एक मतलब बैकपैक भी उसका अच्छा सा आ जाएगा। और वो वैसे तो बैग्स कोई कैरी करती नहीं है, या तो मेरे ही ले जाएगी उठा के, तो बैग से उसको मतलब नहीं होता है। तो अब मैं जा रही हूँ उसके लिए बैग लेने। ले लिया है हमने उसके लिए बैग जो मैं पसंद कर रही थी। एक्चुअली मैंने उसको वीडियो कॉल किया था, तो उसको ये ज्यादा अच्छा लगा था। गाइस ये वाला बैग मस्त लग रहा है, सबसे अच्छा, बहुत प्यारा बैग है। हमने बैकपैक ले लिया उसके लिए, अब हम उसके लिए सरप्राइज। चलो चोरी चोरी तक दे तू मैंने ले भाई तेरा बैग। अरे ये वो बैकपैक है। अभी तो बात कर रहे थे, बोला पानी तो लेने गई थी, पानी के साथ क्या वो ये साथ में ले आई। बहुत अच्छा बैग था ये, मतलब मुझे वीडियो कॉल किया था, मैंने बोल दिया ये वाला बैग ले, सुंदर लग रहा है। बताओ ओ माय गॉड एयरपोर्ट में सरप्राइजेस मिल रहे हैं, यही कर लेगी क्या अनबॉक्सिंग? घर पे जाके दिखाना, अभी मत दिखा। पैकिंग कम हमने दिखा दिया वैसे तो। दिखा दिया क्या? और मस्त बैग
अबे थानी है, हाँ है। इसमें डाल पहले थैली में, ये देखो एक बार साइड में क्या लटका के घूम रहा है पीने का तरीका भाई। अभी मैंने, अरे डाल इसको उसमें। अरे फ्लाइट का क्या सीन है भाई, अपने यहाँ पर बोर्डिंग है ही नहीं, गेट चेंज हो गया, क्या हुआ टीपू? गेट नंबर चेंज हो गया और फ्लाइट का डिले भी है, फ्लाइट 15 की है, डिले हो गई फ्लाइट। और गेट नंबर क्या हो गया? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे दिक्कत हो जाएगी। थोड़े से आगे एक स्टेप आगे खिसक जाओ। अबे सालो तुम यहाँ बैठे बैठे तुम्हें अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दे रही थी? अनाउंसमेंट यार ऐसे सुनाई नहीं। भाई ईयरफोन लगा के रखेगा तो कैसे सुनाई देगा? तू कहाँ था? तू कहाँ था? क्या तू कहाँ था? मैं तो गया था दो नंबर गया था, एक नंबर गया था कोई? चलो गाइस फ्लाइट पर एक की नहीं तीन जनों की शॉपिंग हो गई एयरपोर्ट पे। वैसे जल्दी उड़ा दो नहीं तो और हो जाएगी। गवर्नर आ रहा है इसलिए फ्लाइट ले हुई है बोला ना अभी। नहीं शायद वो रोक दिए होंगे सारी फ्लाइट्स अभी, गेट वेट भी चेंज कर दिया। वैसे हम लोग दो दिन के अंदर, आज का दिन और कल का दिन मिला लो, सिर्फ डेढ़ घंटा सोए। बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा है फ्लाइट में, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे वाह, लैंड नहीं हुआ अभी, अपन टाइम लगेगा अभी तो लैंड होने में। जयपुर में सर्दी मिलेगी अपने को, लैंड होगा इतना तेज। हाँ अपने बस सो जाओ, नितेश जी को पूरा सो जाए, हाथ पकड़ रखा था, वेदर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं गाइस, ये सब काम की चीज है, लगेगी तेरे और तेरे सबसे तेरी है। ये चाहिए क्या मेरे को? तो घर चाहिए, घर घर तो एक घंटे बाद मिलेगा। मजा आया सब अपने हाथ जोड़ो याद है उसपे क्या बोलते हैं, वहाँ पे भी मैच हो गया था बैग, ये वाला कलर नहीं हुआ, नहीं है नहीं है, छोटा बैग है, छोटा बैग है, बच गए बच गए बच गए बच गए, ठीक है बच गए। वेलकम 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 ठीक हो जाएगी। भाई साहब यहाँ तो बारिश हो रही है भयंकर। अरे भाई आज इतना टर्बुलेंस हुआ मेरे को तो ऐसा लगा मैं तो मरी गई आज। आज तो भाई साहब जान निकल गई थी कसम में एरोप्लेन में। भाई तेरे को पता है सच बता रहा हूँ इतना भयंकर टर्बुलेंस मैंने जीवन में देखा। मैं तो पता है मैं तो भगवान को बोल रहा, भगवान की गलती तो माफ कर लेना, मैंने कुछ नहीं निकाल सकता। लेकिन आपने तो बोला पर क्या भगवान ने माफ किया? हाँ वो तो पता नहीं ना। मैं तो कैब वाले को खा गया। क्यों? अरे वो कैब वाला मैं खा गया। इसको भेज दे, इसको डॉक्टर के दिखा दे, दो इंजेक्शन लगा ली सही हो जाएगी इसकी। क्या तबियत कुछ खाती भी नहीं है, कुछ खाती भी नहीं है। कैसी हो गई सूख के मरियल सी? हम सब ने फिर भी एंजॉय करा, ये तो सूख के मूसल हो गई पूरी। हमने भयंकर एंजॉय किया है रे। और भाई इसकी देख शक्ल, और लास्ट के दो दिन क्या वो दो दिन वाला सीन पहले पता चल जाता ना, आग लगा देते हम लोग, खूब लोग आते होंगे लेकिन क्रूज वाले हमें कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, इसका मैनेजर क्रूज सब कुछ मैनेजर मुझे बोलता है आना कभी दोबारा आना, मुझे बात करना, नंबर सब दे मुझे। खाने पीने का सीन देखते हैं क्या करना है, ये लोग तो डोसा के लिए बोल रहे हैं। तो तू क्या खाएगा फिर? मैं तो देखता हूँ कुछ मंगा के खा लूंगा।